क्या कुछ आवाम के सामने आप रखना चाहते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि कल जो नतीजे आए, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इलेक्शन जीत और हार का नाम है। मुझे लगता है कि जितना लोगों ने हमें प्यार दिया, लोगों ने इस कंपेन के दौर में इज्जत दी, लोग हमारे साथ चले, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है ये। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोगों के साथ शाना बिशाना चलेंगे, और जहाँ पे भी लोगों को हमारी ज़रूरत महसूस होगी तो इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट बन रही है ये लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे, लोगों के काम करे, और जहाँ पे हमें लगेगा कि ये लोगों के काम करने में नाकाम हुई तो वहाँ पे भी हम बात करेंगे कि नहीं, यहाँ पे लोगों का काम होना चाहिए, खास करके जो नौजवान तबका इस वक्त इलेक्शन के दौर में मुझे लगता है कि हमारे साथ भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों से जुड़ा था, और इन लोगों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 27,000 वोट मुझे दिया, मैं उनका बहुत तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने नहीं भी दिया उनके लिए भी हमेशा इम्तियाज़ शान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। सर, मुकाबला काफी टफ था और आप वन मैन आर्मी की तरह खड़े रहे, क्योंकि आपकी पार्टी से लीडरान भी कैंपेन के लिए नहीं आए, तो क्या कहेंगे जो आपने आज आप रनर अप रहे हैं, 27,000 वोट आपने इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं, यानी अगर रकबे के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो आपको कैंपेन के लिए हर इलाके में पहुंचना पड़ा? मुझे लगता है मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, हालांकि पार्टी के जो हमारे बड़े नेता थे जो मुझे महसूस नहीं हुई कि उनको आना, क्योंकि वो बिज़ी भी थे उस समय, हमारे साउथ कश्मीर के इलेक्शन में ज़्यादा बिज़ी थे। तो मैं लोगों के पास खुद अपनी बात लेके गया, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि लोगों ने मेरी बात को समझने में काफ़ी हद तक लोग कामयाब हुए और मेरे साथ चले, ऐसी बात नहीं है। अब ये इलेक्शन है, हमारे अल्लाह ताला को जो मर्जी होती है, हो सकता है अल्लाह ताला की बेहतरी उसको नज़र आई, इसी में बेहतरी है, तो मुझे इससे कोई गिला नहीं है कि हम हारे या जीत का मुझे इतना नहीं है, लेकिन हम लोगों तक कैसे पहुँचें, लोगों के काम कैसे करें, लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम कैसे उतरें, उसकी मुझे फिक्र है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के साथ चलेंगे, इशाना बिशाना चलेंगे, हम लोगों का शुक्रगुजार है, और आने वाले वक्त में भी हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी हर काम में उनके साथ खड़े रहेंगे। जमहूरियत के इस जश्न में आपने देखा कि किस तरह से खुशियां थी जिस उम्मीदवार ने जीता या पार्टी ने अक्सरियत के साथ, तहम यह मरकज के जैन निजाम खत्ता है, ये अब रियासत नहीं है, क्या उम्मीद है इस यूनियन टेरिटरी की हुकूमत से आपको रहेंगी, आवाम को रहेंगी, और क्या गुजारिश आपकी तरफ से रहेंगी? मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इस हुकूमत के लिए, खास करके क्योंकि बेरोजगार इस वक्त बहुत ज़्यादा बेरोज़गार तबका है जम्मू कश्मीर में, बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बात करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो बच्चे जेलों में बंद हैं ये उनके लिए क्या करेंगे, जो बिल्कुल मतलब छोटे केसों में हैं उनको लिए ये क्या करेंगे, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत अच्छा काम करेगी, सेकुलर गवर्नमेंट है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम होगा, लेकिन इनको भी ये फिक्र रखनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़ी, अगर हमें लोगों के लिए कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। साहब, बालियाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें जहाँ से आप रनर अप रहे, तो बालियाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की आपके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो इस बार गूर को बालियाल के साथ जोड़ा गया, और खिताई चिनाब की बात करें चिनाब वैली में ये हिस्टोरिक वोट जो है वो आपने हासिल किया, 27,000 वोट बहुत ज़्यादा वोट है, तो इसे आप कैसे देखते कि पहली बार चिनाब वैली ने इतना बड़ा वोट जो है वो हासिल किया और नई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी आपके लिए? देखिए, हमारा मुझे लगता है कि लोगों ने जो एतमाद हम पे, भरोसा हम पे जितलाया है, मुझे कहीं महसूस होता है कि लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखते थे, और उनको ये यकीन था कि इम्तियाज़ शान अगर बनेगा तो ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, ऐसी बात नहीं। मैं इलेक्शन ज़रूर हार गया, मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक लोगों का सवाल है, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जो लोग मेरे साथ चले हैं, उनके लिए हम शाना बिशाना खड़े रहें।
जहां तक भी हमें जाना पड़े उनके साथ खड़े रहेंगे, और जो इन्होंने नहीं भी दिया अगर उनको भी कहीं मेरी जरूरत महसूस होती है तो मैं उनके लिए भी साथ खड़ा रहूंगा। अक्सर नौजवान तबका आपके साथ कैंपेनिंग के दौरान चल रहा था, कैंपेनिंग से पहले भी कई सारे नौजवान तबका को आपके साथ जो है उम्मीदें वाबस्ता थी, और बालेहाल की बात करें, रामबन की बात करें तो कई सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स आने वाले और पहले भी थे, तो कई सारे एक्सपेक्टेशंस थी आपके ऊपर नौजवानों को, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि इम्तियाज शाह रनअप रहने के बाद उनके लिए क्या करें? देखिए सबसे बड़ा मुझे लगता है ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे यहाँ पे चुने गए उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। गरीब तबका जो है, जो नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार तबका है, जो यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको वहाँ रोजगार दिलाने की वो कोशिश करें, जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं वो कहीं इसमें कोताही कर रहा है तो मैं अपने नौजवानों के साथ शाना बिशाना खड़ा होकर रोड पे खड़ा हो जाऊंगा उनके साथ। हम उनके लिए जंग लड़ेंगे, हम उनके लिए अगर हम असेंबली में होते तब भी उनके लिए जंग लड़ते, हम असेंबली में बाहर रह के भी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी जी, जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है अब तीन उम्मीदवार असेंबली में जाएंगे, आपको लग रहा है कि जो एक रुझान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रहा है जम्मू कश्मीर में, खास करवा दिया कश्मीर में, वो रुझान कम हुआ है, कहाँ पे एक कमी थी कि इम्तियाज शान साहब या दीगर आपके साथी नहीं जीत पाए? देखिए मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि एक लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते थे यहाँ पे, और लोगों ने वही फैसला किया कि उन्होंने एक अच्छी मेजॉरिटी की यहाँ पे सरकार बनाई। मुझे लगता है कि हमें लोगों को मुबारकबाद करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक मेजॉरिटी में सरकार है तो लोगों को भी ये उम्मीद रहेगी कि हाँ ये हमारा कुछ कर सके, काम कर सके। तो मुझे लगता है उसी वजह से लोगों ने फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया, एक मजबूत मैंडेट दिया है, और उसके लिए लोग मुबारक के हकदार हैं।